7 सितंबर को देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। यह पर्व भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल की चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी पर्व का शुभारंभ हो जाता है, जो 10 दिन तक चलता है। बहुत से लोग अपने घर में बप्पा की मूर्ति की स्थापना भी करते हैं। इस दिन को लेकर एक मान्यता यह भी है कि इस दिन चांद को नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि यदि आपने गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिया तो यह एक अशुभ संकेत होता है, लेकिन यदि आपने अनजाने में चांद देखा है तो इसके प्रकोप से बचने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है और यदि चांद देख लिया तो कौन से उपाय किए जा सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन यदि चांद को देख लिया जाए तो मिथ्या दोष लग जाता है। मिथ्या दोष लगने पर आपके जीवन में कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं। ये एक अनचाहा दोष है जो व्यक्ति गलत और झूठे आरोपों में फंस सकता है। इस दोष के पीछे आखिर मान्यता क्या है? इस दोष के पीछे एक पौराणिक मान्यता बताई गई है जो गणेश जी और चंद्र देव से जुड़ी है। एक बार गणेश जी चूहे की सवारी कर रहे थे, इस दौरान वह अपने भारी वजन के कारण लड़खड़ा कर गए। ऐसे में चंद्रदेव उन्हें देखकर हंसने लगे। इस पर गणेश जी क्रोधित हो गए और चंद्रमा को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी की बेला में यदि कोई रात में चांद को देख लेता है तो उसे समाज में तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ेगा। इस दिन चांद को देखना अशुभ होता है, लेकिन अगर गलती से कोई चांद देख ले तो इसके दुष्प्रभाव से बचने के कुछ उपाय भी बताए जाते हैं। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए आप गणेश भगवान का व्रत रख सकते हैं, साथ ही एक मंत्र का जाप करने से भी इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। यह पूरा मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।